हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। देखिए, हम पिछले कई दिनों से जो इस साल पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू होने जा रहा है, उसी सीरीज़ के अंदर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ता हूँ कि आप पढ़ भी रहे होंगे बच्चे, वो ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि थोड़ा आप जानते हैं कोरोना भी महामारी चल रही है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोरोजन के बारे में बताया था कि कैसे बॉयलर के अंदर कोरोजन हो सकता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है बॉयलर में हार्ड वाटर का। तो उस कोरोजन की वजह से या हार्ड वाटर की वजह से बॉयलर के डिज़ाइन में थोड़ा बहुत चेंजेज आ जाता है, और उस डिज़ाइनों के चेंज की वजह से भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बॉयलर के अंदर पाया जाता है, जिसे प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग कहते हैं। प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग ये भी एक डिसएडवांटेज है बॉयलर के अंदर। ये मेनली बॉयलर की बनावट की वजह से और बॉयलर में पाए जाने वाले सॉल्ट्स की वजह से भी होता है प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग। तो देखिए, प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग होते क्या हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग के बारे में। देखिए, प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग होते क्या है, बॉयलर में जब पानी को उबालना स्टार्ट करते हैं, तो जब पानी गर्म हो जाता है तो बॉयलर में क्या होगा, पानी गर्म होगा तो उफान आएगा। तो उफान जैसे बाहर निकलेगा, यानी कि जैसे भाप निकलेगी, तो भाप के साथ जल की बूंदें भी अगर चली जाए, जल की बूंदों का भाप के साथ चले जाना, यानी भाप तो बनी रही है, हमारा मेन टारगेट क्या है, बॉयलर के अंदर भाप बनाना, तो भाप तो बन रही है, लेकिन अगर उस भाप के साथ पानी की बूंदें भी चली जाएगी तो उसे प्रीमिंग कहते हैं, अपक्रमण कहते हैं। यानी बॉयलर में जब पानी को गर्म किया और अचानक सा उफान आ गया, तो उस वजह से जो भाप बनेगी, यानी जो भाप बन रही है उसके साथ जल की बूंदें अगर चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमिंग। और यदि भाप के साथ झाग बन जाए तो इसे कहते हैं फोमिंग, फैनन। झाग बनने की क्रिया फैनन कहलाती है, जल की बूंदों का भाप के साथ चले जाना, भाप के साथ उड़ जाना, प्रीमिंग कहलाता है। अब ये होते क्यों हैं? फर्स्ट थिंग, तो प्रीमिंग जो होती है जल के अंदर विलेय पदार्थों की अधिक मात्रा होने के कारण होती है। विलेय पदार्थ मतलब वही सोल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट, अगर ये ज़्यादा मात्रा में विलय होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रीमिंग होगी। और दूसरा, बॉयलर की आकृति खराब होने के कारण होता है। या बॉयलर की आकृति जैसे कोरोजन की वजह से या कहीं किसी स्केल जमने की वजह से थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, तो उस वजह से भी प्रीमिंग होगा। जो कि भाप, हमें एकदम प्योर भाप चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ पानी जा रहा है तो फिर वो भाप किसी काम की नहीं रहती है। तो इसलिए हमें भाप, जल की बूंदें नहीं जानी चाहिए भाप के साथ, प्रीमिंग स्टॉप होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए प्रीमिंग। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, उसमें विलेय पदार्थ जितने कम होंगे, यानी कि हार्ड वाटर जितना कम होगा वो उतना अच्छा रहेगा, सॉफ्ट वाटर जितना ज़्यादा रहेगा, यानी कि वो ट्रीटमेंट देकर के किया जाए। और सेकेंड थिंग, कि बॉयलर की आकृति खराब नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें कोरोजन नहीं होना चाहिए और स्केल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या है, झाग उत्पन्न होना। तो फॉर्मिंग का मुख्य कारण क्या है, वही कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा उपस्थित होना, विलय होना, जिससे क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का पृष्ठ तनाव कम कर देंगे, जिससे झाग उत्पन्न हो जाएंगे। ये पृष्ठ, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, झाग उत्पन्न हो जाएंगे, और ये झाग ही क्या कहलाती है, फॉर्मिंग कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मिंग क्या है, झाग उत्पन्न होना, किस वजह से होती है, दोनों ही अपक्रमण और फैनन और अपक्रमण दोनों ही कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा की वजह से होती है। लेकिन अपक्रमण होने के लिए एक चीज़ और जिम्मेदार है, बॉयलर की गलत आकृति। और फॉर्मिंग में क्या होता है, पानी जो कार्बनिक पदार्थ है वो पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जिस वजह से झाग उत्पन्न हो जाते हैं। अब होता क्या है, दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, ये भी याद रखें आप, तो जिस वजह से निम्न हानियाँ हो सकती है। पहली क्या, कि बॉयलर में उचित दाब बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाप बनने की जगह भाप के साथ साथ पानी भी जा रहा है, तो एक प्योर भाप हो तो वाष्प दाब जनरेट होता है, तो उचित वाष्प दाब बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, और भाप के साथ जल की बूंदें जाने के भाप के आगे बहने में विरोध उत्पन्न हो जाता है।
भाप जब आगे बहे तक ट्रेवल करती है बॉयलर से होते हुए आगे, जिस भी वर्क के लिए लेके जाना, जिस भी काम के लिए, तो जिस पाइपलाइन से होके जाती है, तो वहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है बूंदों की वजह से, प्रॉपर भाप ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो ये दो एक मेजर डिसएडवांटेज हैं, एक तो दाब को मेंटेन करना, दाब ज़्यादा हो गया तो बॉयलर फटने का डर रहता है, यानी कि अगर इसका आइडिया नहीं रहा वाष्प दाब का, ये ज़्यादा हो गया तो बॉयलर फट सकता है, और सेकेंड थिंग कम रह गया तो भाप प्रॉपर नहीं बनेगी, और प्रॉपर नहीं बनेगी तो जो वर्क चाहिए वो कम्प्लीट नहीं होगा। सेकेंड थिंग भाप के साथ क्या जाती है, बूंदे चली जाती है तो वो भाप के बहने में क्या करती है, विरोध उत्पन्न कर देती है। तो अब इसको स्टॉप कैसे करें, अपक्रमण और फेनन को रोके कैसे, उसके कुछ तरीके हैं। पहला कि अकार्बनिक पदार्थ मिला दिया जाए। देखिए कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा विलय है, जब कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा विलय है तब तो क्या हो रहा है, फॉर्मिंग एंड फ्रेमिंग फ्रीमिंग हो रहा है। लेकिन अकार्बनिक पदार्थ मिला देंगे तो क्या कर दे, कार्बनिक पदार्थ क्या कर रहे थे, जो कार्बनिक पदार्थ थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, पृष्ठ तनाव में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा था, झाग उत्पन्न हो रहा था। अब अगर इसकी जगह मिला दें अकार्बनिक पदार्थ, जस्ट इसका उल्टा, तो पृष्ठ तनाव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और फॉर्मिंग एंड फेनन में कंप्रीमिंग में कमी आ जाएगी। ठीक है, भाप का उत्पादन थोड़ा कम रखा जाए, ज़्यादा भाप उत्पन्न नहीं की जाए ताकि पानी की बूंदे उसके साथ ना जाए। ठीक है, इसके अलावा एंटी फोमिंग एजेंट भी मिला दिए जाए, एंटी फोमिंग एडिटिव या एंटी फोमिंग एजेंट भी बोलते हैं इसे, एंटी एडिटिव या एजेंट अगर ये मिला दी जाए तो ये फोमिंग की क्रिया यानी कि झाग उत्पन्न होने की क्रिया को रोक देंगे। उदाहरण के लिए कैस्टर ऑयल, कैस्टर का तेल, गैलिकम, टेनिकम, ये क्या करते हैं, फोमिंग की क्रिया को स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा सोडियम एल्यूमिनेट अगर उपयोग भी करें तो ये फोमिंग की क्रिया को भी ये भी रोक देता है। ये कुछ मेथड्स हैं जो आप याद रखें। एक तो अकार्बनिक पदार्थ मिला दें तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव में वृद्धि हो जाएगी, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो झाग उत्पन्न नहीं होंगे, यानी कि फोमिंग एंड फ्रीमिंग की क्रिया नहीं होगी। सेकेंड, भाप उत्पादन कम रखा जाए। थर्ड, फेनन की क्रिया को रोकने के लिए कुछ एंटी फोमिंग एजेंट मिला दिए जाते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, मेलिक गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, इसके अलावा सोडियम एल्यूमिनेट भी मिला दिए जाते हैं जो फेनन की क्रिया को स्टॉप कर देते हैं। तो ये कुछ फ्रीमिंग एंड फोमिंग रोकने के तरीके हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है आपका, स्केल या हार्ड वाटर के जो डिसएडवांटेज हैं वो वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, कि कैसे डिसएडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो हमने देखे, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ स्टार्टिंग से। हमने कुछ चार पिछले चार पांच वीडियो में जो पढ़ा, सबसे पहला हमने स्केल फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखा, कि वो आपने देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की घुलनशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है और जमने लग जाते हैं। इसके लिए मेनली जो मुख्यतः जिम्मेदार है वो है कैल्शियम सल्फेट, वो मुख्यतः कैल्शियम सल्फेट की घुलनशीलता कम होने लगती है और धीरे धीरे किसके लिए जिम्मेदार होता है, स्केल फॉर्मेशन के जिम्मेदार होता है। इसके बाद हमने देखा कि पपड़ी जम जाए तो उसको कैसे हटाया जाए, तो स्केल एंड स्लज, तो स्लज अगर जम रहा है तो उसको ब्रश की सहायता से हटा सकते हैं, लेकिन अगर स्केल जम रही है उसको हटाना थोड़ा टफ टास्क होता है। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कैल्शियम कार्बोनेट की है तो उसको 10% HCl के साथ हटा देते हैं, यदि सल्फेट की, कैल्शियम सल्फेट की, तो उसे EDTA के द्वारा हटाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इससे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से बीच में रुक गया था, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद हमने मैंने बता रहा था आपको कि हमने स्टार्टिंग में क्या क्या देखा इस पाँच चार पाँच वीडियो के दौरान। हमने स्केल फॉर्मेशन देखा कि किस तरह से स्केल फॉर्मेशन, इसमें कैल्शियम सल्फेट मेन रूप से उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद हमने देखा कि मैंने बताया कि आपको कि ट्रीट उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं 10% HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट वाली को, सल्फेट वाली को EDTA के साथ, बट थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको बनने से ही रोक दिया जाए। तो दो तरह के ट्रीटमेंट बताए, बाहरी ट्रीटमेंट और आंतरिक ट्रीटमेंट। बाहरी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि तीन तरह के मेथड है, सोडा लाइम मेथड, जहाँ आयन विनिमय विधि और जियोलाइट विधि, इन तीनों के द्वारा क्या करते हैं, पानी को, हार्ड वाटर को बाहर ही सॉफ्ट करके अंदर भेजा जाता है। ठीक है, और लेकिन और सेकंड थर्ड कि हमारे पास अगर तीनों मेथड अवेलेबल नहीं है तो फिर इंटरनल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जिसमें मैंने आपको तीन चार तरह के बताए, कैलगन उपचार, फॉस्फेटिक उपचार, कार्बोनेट ट्रीटमेंट फॉर, और इसके अलावा कोलोइडी पदार्थों का उपयोग। ठीक है, इन चारों की सहायता से आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं इंटरनली।
इसके बाद हमने उसके बॉयलर में क्या क्या हानियाँ हो सकती है देखा, कठोर पानी की वजह से स्केल सॉरी स्केल की वजह से स्केल की वजह से बॉयलर फट सकता है, ईंधन का अपव्यय होता है, बॉयलर ख़राब हो जाता है, उसकी दक्षता में कमी आती है, वॉल एंड कंडीशन कंडेंसर में अगर स्केल फंस जाती है तो वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा बॉयलर धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है जिससे छेद बन जाते हैं और विस्फोट होने का डर रहता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक और बॉयलर का नुकसान देखा, कोरोजन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोरोजन के बारे में देखा कि कोरोजन किस वजह से, ऑक्सीजन की उपस्थिति, CO2 की उपस्थिति, इसके अलावा HCl का फॉर्मेशन होता है जिस वजह से कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। इनको रोकने का तरीका मैंने बताया था, ऑक्सीजन को अगर स्टॉप करना है तो सोडियम सल्फाइड या हाइड्रोजन का उपयोग कर लेते हैं, CO2 को स्टॉप करना है तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर लेते हैं जो अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है, और थर्ड जो HCl का स्टॉप है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि FeOH का ऑल्टोएस बनेगा जो फर्दर किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, रस्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हमने कास्टिक सोडा प्रभाव देखा, कास्टिक सोडा प्रभाव क्या कहलाता है कि कास्टिक सोडा प्रभाव वो होता है जिसके अंदर बॉयलर के अंदर अगर NaOH का फॉर्मेशन हो जाए, कहाँ से जो हमारी विधि है सोडा लाइम विधि, उसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है जो क्या बनाता है, जो फर्दर ऑक्सीजन H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो कोरोजन के लिए जिम्मेदार होता है और अल्टीमेटली बॉयलर ख़राब होने का डर रहता है, इसमें टैनिन और लिग्निन डाल करके उसको स्टॉप किया जा सकता है। इसके बाद हमने प्रीमिंग और फॉर्मिंग देखा आज, कैसे उसको किया जाता है और उसको स्टॉप कैसे किया जाता है। इस तरह से हमने एक पूरा यूनिट पार्ट देखा इसका वाटर का, जिसमें स्केल फॉर्मेशन, कोरोजन, फॉर्मिंग, प्रीमिंग, स्केल के डिसएडवांटेज, हार्ड वाटर के डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये एक पूरा पूरा पार्ट ख़त्म होता है यहाँ पर, तो आप यहाँ तक का पढ़िए। इसे बीच में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया था कि थोड़ा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप थोड़ा ध्यान दे लें उस पर। बाकी आप 5-6 वीडियो जो पहले के रिलीज हैं वो पढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोडा जो मैं आपको बता रहा था, सोडा लाइम विधि और जियोलाइट विधि वगैरह, इनके बारे में स्टडी करेंगे, वो वीडियो जल्दी रिलीज करेंगे। उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर के अंदर है हार्ड वाटर, ये सॉरी जो वाटर ट्रीटमेंट है, जो म्यूनसिपलिटी का वाटर आता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे साफ करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो आपके बहुत काम का है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम का है। तो वो देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या रिएक्शंस होती है उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, या पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बच्चों के पास नंबर है मेरे। बाकी थैंक यू।